हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक अदर मीडियाज एंड देन वी स्टडीड इट्स एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लाइक द एडवांटेजेस आर स्पीडी ट्रांसमिशन, वाइड कवरेज, लो कॉस्ट, एक्सचेंज ऑफ फीडबैक, मैनेजिंग ग्लोबल ऑपरेशन। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द वॉल्यूम ऑफ डेटा, द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, लीगल स्टेटस, अनडिलीवर्ड डेटा, डिपेंडेंसी। Apart from that, we started with the new topic, that is the web media. In web media, we had just the introduction. Now, we'll move towards the concept of web journalism. With the decline of newspaper, there has been a lot of talk about web journalism being the future of the news business. See, with the decline of newspaper, अब newspaper धीरे धीरे क्या है, decline हो रहा है, क्यों? तो बहुत लोग वेब जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं एज द फ्यूचर ऑफ द न्यू बिजनेस। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वेब जर्नलिज्म? बट व्हाट डज दिस वेब जर्नलिज्म एक्चुअली मीन? द वेब जर्नलिज्म एक्चुअली एनकम्पसेस अ होल रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स इंक्लूडिंग। सी, ये जो वेब जर्नलिज्म क्या है, ये सब एक साथ मिलते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स। अब डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स क्या है? लाइक न्यूज़ पेपर वेबसाइट, इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेबसाइट, हाइपर लोकल न्यूज साइट एंड सिटीजन जर्नलिज्म साइट। सो वील हैव द फर्स्ट वन, दैट इज द न्यूज़ पेपर वेबसाइट। वेबसाइट रन बाय न्यूज़ पेपर्स आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द पेपर्स देमसेल्व। सी, वेबसाइट रन बाय न्यूज़ पेपर, सी न्यूज़ पेपर अपन देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट रहता है, राइट? दिस इज नथिंग बट ए जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूज़ पेपर देमसेल्व। एज सच दे कैन प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल इन द वेराइटी ऑफ एरियाज। एंड दे कैन प्रोवाइड यू, तो क्या होता है, दे प्रोवाइड अस विद अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल इन अ वेराइटी ऑफ एरियाज, न्यूज, स्पोर्ट्स, बिजनेस, द आर्ट्स एक्सेट्रा, रिटन बाय इट्स स्टाफ ऑफ प्रोफेशनल रिपोर्टर। अब ये न्यूज़, स्पोर्ट्स, बिजनेस, आर्ट्स, इन सब पे कौन लिखता है? जो उनका प्रोफेशनल स्टाफ रहता है वो लिखता है इस पर। जैसे स्टाफ, जैसे अपने यहाँ पे मार्केट, अपने यहाँ पे अलग अलग फील्ड रहते हैं, हाँ, जैसे इफ़ यू गो फॉर MBA देन देयर इज अ मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंस एंड ऑल, उसी तरह हाँ, इसमें भी स्पेशलाइज्ड रहते हैं। जैसे वन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ पे कोई लिखता है, कोई स्पोर्ट्स पे लिखता है, सम राइट्स ऑन बिजनेस, सम राइट्स ऑन आर्ट्स एक्सेट्रा। In some cases, newspapers shut down their printing press but continue to operate their website. See, बहुत से cases में क्या हो गया है, अभी newspaper ने print करना बंद कर दिया है but वो website पर सब कुछ कर रहे हैं। Often, however, when the presses stop running, the news staff is gutted, leaving only a bare bones newsroom behind. See, अगर न्यूज़पेपर आप बंद कर दोगे, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर ये जो बंद कर दोगे, वेबसाइट पे ही करोगे, तो जो स्टाफ है वो क्या करेगा? तो स्टाफ भी क्या हो जाता है, सारा ये रहता है सिर्फ एक न्यूज़ रूम में, थोड़ा बहुत पीछे काम चलते रहता है। देन इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेबसाइट, दिस साइट्स ऑफन फाउंड इन लार्ज सिटी टर्न टू स्पेशलाइज्ड इन हार्ड न्यूज़ कवरेज ऑफ म्यूनसिपल गवर्नमेंट, सिटी एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एंड स्कूल। सी, ये जो है इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेबसाइट, इट इज़ फाउंड इन लार्ज सिटीज़। लाइक अपने पूना में भी देखते हैं अपन, वो ICICI केबल वाले का देखते हैं ना, कुछ भी पूना में हुआ तो वो तुरंत कवरेज करके उनका भी एक न्यूज़ चैनल है उस पर डाल देते हैं। तो वो म्यूनसिपल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किधर ऐसे ही खड्डा करके उन्होंने छोड़ दिए, ये सारे अपने को पूना का लोकल न्यूज़ सारा उधर पता चलता है। देन सिटी एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एंड स्कूल, some of them are known for their hard-hitting investigation reporting. See, some of them are known for their hard-hitting investigation reporting. कुछ बड़े famous हैं investigating reporting के लिए। Their content is typically produced by small staffs of full-time reporter and freelancer. See, their content is typically produced by small staff. अब उनका content cover करता है, एक छोटा सा staff रहता है, वो सारा कंटेंट कवर करता है, न्यूज़ साइट्स सारा कवर करता है, और फुल टाइम रिपोर्टर रहता है।
Many such independent news sites are non-profit funded by mix of ads revenue and contribution from donor and foundation. See, बहुत से ये क्या है, न्यूज़ चैनल इंडिपेंडेंट रहता है, उनके पास कुछ उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, बट कहाँ से है उसके अंदर वो ऐड दिखा के थोड़ा सा प्रॉफिट, दे गेट सम रेवेन्यू एंड डोनर्स एंड फाउंडेशंस, उनके पास से उनको थोड़ा सा पैसा आता है, उस पर से वो अपना ये लोकल न्यूज़ दिखाना करना चालू रहता है। हाइपर लोकल न्यूज़ साइट, दिस साइट स्पेशलाइज इन कवरेज ऑफ स्मॉल स्पेसिफिक कम्युनिटी राइट डाउन टू द इंडिविजुअल नेबरहुड। अब क्या है दिस साइट्स, क्या है दिस साइट स्पेशलाइज्ड इन कवरेज ऑफ स्मॉल, लाइक ये जो छोटे छोटे है स्पेसिफिक कम्युनिटी है, राइट डाउन टू द इंडिविजुअल नेबरहुड, ये सारा कवर करता है। एज द नेम इम्प्लाइज द कवरेज टर्न टू फोकस ऑन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड इवेंट्स, द पुलिस ब्लॉटर, द एजेंडा ऑफ द टाउन बॉर्डर मीटिंग, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल प्ले। सी, जैसे ये नाम इम्प्लाई करता है हाइपर लोकल न्यूज़ साइट, मतलब क्या है एकदम छोटी 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 बातें भी न्यूज़ में बताई जाती है, अपने आजू बाजू क्या हो रहा है, लाइक स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे खेल रहे हैं स्कूल ग्राउंड पे, और फिर मीटिंग हुई कुछ अपने एरिया में तो उस मीटिंग के बारे में बोलते हैं। हाँ, लोकलाइज्ड इवेंट्स क्या है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट। हाइपर लोकल साइट्स कैन बी इंडिपेंडेंट और रन बाय न्यूज़पेपर पेपर्स एज एक्सटेंशन ऑफ दियर वेबसाइट। सी, हाइपर लोकल साइट्स क्या है, इट कैन बी इंडिपेंडेंट और रन बाय दियर न्यूज़पेपर एज एन एक्सटेंशन ऑफ दियर वेबसाइट। दियर कंटेंट इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय लोकल फ्रीलांस राइटर एंड ब्लॉगर। सी, उनका कंटेंट कौन प्रोड्यूस करता है, जो लोकल फ्रीलांस राइटर रहते हैं वो, और जो ब्लॉग्स लिखते हैं वो लोग। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजन जर्नलिज्म साइट। सिटीजन जर्नलिज्म साइट रन अ वाइड गैमेट, लाइक इसका भी बहुत ज़्यादा कवरेज है पूरा। सम आर बेसिकली जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेर पीपल कैन पोस्ट वीडियो रिपोर्ट्स और पिक्चर्स ऑन यूजुअली एनी सब्जेक्ट। सी, सम आर बेसिकली जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं जहाँ पे पीपल पोस्ट वीडियोस रिपोर्ट्स और पिक्चर्स ऑन यूजुअली एनी सब्जेक्ट, लाइक लोग किसी भी सब्जेक्ट पे वहाँ पे वीडियो पिक्चर किसी भी मैटर पे कर सकते हैं। अदर्स फोकस ऑन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया एंड प्रोवाइड मोर टारगेटेड स्पेसिफिक कवरेज। सी, अदर फोकस ऑन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड प्रोवाइड मोर टारगेट स्पेसिफिक कवरेज। कंटेंट फॉर सिटीजन जर्नलिज्म साइट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाई अ लूज एफिलिएशन ऑफ राइटर, ब्लॉगर्स एंड वीडियो रिपोर्टर्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ जर्नलिज्म एक्सपीरियंस। सी, कंटेंट फॉर सिटीजन जर्नलिज्म साइट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाई अ, सी कंटेंट फॉर, ये कौन देता है उनको कंटेंट, जो राइटर ब्लॉगर वीडियो रिपोर्टर वो जो हाईली एक्सपीरियंसड लोग देते हैं वो लोग देते हैं। सम सिटीजन जर्नलिज्म साइट्स आर एडिटेड, अदर्स आर नॉट। कुछ कुछ साइट्स क्या है एडिट करनी पड़ती है, कुछ कुछ नहीं भी करना पड़ता है। देन फीचर्स ऑफ वेब जर्नलिज्म, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वेब जर्नलिज्म। हाइपर टेक्सचुअलिटी, द प्रॉब्लम विद हाइपर टेक्स्ट इज एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन राइटर। सी, द प्रॉब्लम विद हाइपर टेक्स्ट क्या है, ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन राइटर, दैट इट क्रिएट्स अ डिलीवरी सिस्टम फॉर सेपरेट क्लोज्ड यूनिट, अ सिस्टम विच इज अलाउड ओनली एम्बेडेड लिंकिंग पॉइंटिंग टूवर्ड्स और आउटवर्ड्स। सी, ये जो सिस्टम है जो सारा लिंक बाहर देता है। व्हाट वन हैज़ टू रियलाइज इज दैट टेक्स्ट इंटरकनेक्टेड थ्रू लिंक्स हाइपरलिंक्स कैन रेफर इंटरनली टू द अदर टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट डोमेन और एक्सटर्नली टू टेक्स्ट लोकेटेड एल्सवेयर ऑन द इंटरनेट। सी, एक चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप टेक्स्ट कनेक्टेड है वो सब आपके लिंक से कनेक्टेड रहता है। जैसे अभी हम लोग लेक्चर्स भेजते तो यू गेट द लिंक, ऑन बेसिस ऑफ द लिंक यू सी द लेक्चर, राइट, सेम हियर इज हैपनिंग हियर। इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल हाइपरलिंक इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ गुड ऑनलाइन मीडिया प्रोडक्शन। सी, इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल हाइपरलिंक
लाइक आपको इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है, और एक्सटर्नल हाइपरलिंक, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस मीडिया का मेन है। गुड ऑनलाइन मीडिया प्रोडक्शन होता है इससे। इट एनेबल्स जर्नलिस्ट टू रेफर देयर रीडर्स टू ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रैगिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स, इलुस्ट्रेशन सोर्सेज, मल्टी मीडिया परस्पेक्टिव ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड सो ऑन। सी इट एनेबल्स जर्नलिस्ट टू रेफर देयर रीडर, सी इट एनेबल्स जर्नलिस्ट टू रेफर देयर रीडर टू ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, डॉक्यूमेंट मिलता है, सोर्स मिलते हैं नए नए ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड सो ऑन। इफ़ वी एग्जामिन हाउ टूडेज न्यूज साइट्स अप्लाई दिस कंसेप्ट, द कंक्लूजन वी विल कम अप विथ दिस पर्सिमेटाइट। सी अगर अपन एग्जामिन करेंगे आज के न्यूज़ आपके न्यूज़ साइट्स, तो वॉट वी कैन कंक्लूड कि बाबा यहाँ पे सब कुछ दिखता है। यहाँ पे ओनली फ्यू साइट्स एक्चुअली एम्बेड हाइपर लिंक एंड इफ दे डू इट डज नॉट इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन विद द वेब। सी ओनली फ्यू साइट्स हैं जिसके ऊपर आप हाइपर लिंक अच्छे से दिख सकते हो, और जहाँ पे नहीं देख सकते वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पूरी नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट इज द मल्टी मीडिया लिटी। मल्टी मीडिया लिटी मीन्स द एक्सटेंट टू विच टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वॉइस एंड इमेज आर ट्रांसलेटेड एंड इंटीग्रेटेड इंटू अ कॉमन डिजिटल फॉर्म। सी मल्टी मीडिया मीन्स द एक्सटेंट टू विच ग्राफिक, यहाँ पे क्या है, ग्राफिक, साउंड, वॉइस, इमेजेस, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसलेट होता है एंड इंटीग्रेटेड इंटू अ कॉमन डिजिटल फॉर्म। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू जर्नलिस्ट टू प्रेजेंट नॉन लीनियर टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग बाई यूजिंग हाइपर टेक्सचुअलिटी एंड मल्टी मीडियालिटी इन एन इनोवेटिव वे। सी द इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन एक स्टोरी टाइप टेलिंग में अच्छे से लाओ, जो पॉइंट्स हाईलाइट करने वो हाईलाइट करो एंड यूजिंग मल्टी मीडिया डू इट इन अ बेटर वे, डू इट इन अ इनोवेटिव वे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टी मीडिया इज दैट द ऑनलाइन जर्नलिस्ट विल लर्न हाउ टू वर्क विद दिस डिफरेंट फॉर्मेट। सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टी मीडिया इज दैट क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन जर्नलिस्ट विल लर्न हाउ टू वर्क विद दिस डिफरेंट फॉर्मेट, लाइक आपको डिफरेंट फॉर्मेट के साथ कैसे काम करना है। फॉर दिस राइटिंग द जर्नलिस्ट विल ऑल्सो नीड द स्किल टू डिसाइड फॉर ईच स्टोरी दैट विच पार्ट ऑफ द स्टोरी विल कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड विच वन विल कैरी ऑडियो और विजुअल एलिमेंट। सी फॉर दिस राइटिंग द जर्नलिस्ट विल ऑल्सो नीड द स्किल टू डिसाइड, जर्नलिस्ट को एक स्किल चाहिए डिसाइड करने के लिए कि बाबा कौन सी पार्ट ऑफ द स्टोरी पहले होगी, कौन सी बाद में बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्या मैसेज जाना चाहिए, ऑडियोबिलिटी क्या रहनी चाहिए, क्या अलग अलग विजुअल एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं। वेब डिज़ाइनर टिम ग्रोवे हैज़ रिटन एज अर्ली एज 1995 अबाउट द इनहेरिटेंट पिटफॉल्स ऑफ अप्लाइंग मल्टी मीडिया कंटेंट टू वेबसाइट्स। इफ मल्टी मीडिया इज यूज विद नो थॉट टू द रीज़न वाई इट हैज़ बीन यूज और इट हैड पुअर लेआउट और कंटेंट, इट मे रिजल्ट इन द पॉइंटलेस एस्थेटिक फिस्को दैट नीडलेसली वॉक्स बैंड विच। सी अगर आप मल्टी मीडिया अभी देखो, वेब डिज़ाइनर टिम वॉट उन्होंने क्या लिखा इन द अर्ली 1995 में, क्या लिखा था कि बाबा अगर आप मल्टी मीडिया यूज़ कर रहे हो तो किस रीज़न से यूज़ कर रहे हो, कितना अट्रैक्ट होना चाहिए, कैसे आप कर रहे हो, इन सब का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से आप मल्टी मीडिया यूज़ करो विद द हाई क्वालिटी। अगर आप मल्टी मीडिया अच्छे से यूज़ करोगे, राइट, अच्छे से सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करोगे, तभी वो लोगों तक अच्छे से पहुँचेगा, देन ओनली इट विल अट्रैक्ट द पीपल। अगर आप बिना किसी मोटिव के ऐसे कुछ भी टाइम पास के लिए करोगे तो आपका सारा यूज़ किया हुआ वेस्ट हो जाएगा। यूजिंग दैट मल्टी मीडिया एंड ऑल, देर शुड बी प्रॉपर लेआउट, कंटेंट सब अच्छा होना चाहिए, तभी आपका कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। थर्ड पॉइंट, इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव इज द प्रोसेस ऑफ टू पीपल और थिंग्स वर्किंग टुगेदर एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स इनपुट। सी इंटरएक्टिविटी,
इंटरएक्टिविटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ टू पीपल और थिंग. ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टू पीपल और थिंग जो साथ में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जैसे एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर कितना है टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स इनपुट. जैसे अपन कैलकुलेशन करके डालते हैं तो कंप्यूटर अपने को आंसर देता है ना, वैसे ही यहाँ पे दो या ज़्यादा पीपल एक साथ काम करते हैं ताकि उनकी एबिलिटी पता चले और सब कुछ अच्छे से हो जाए. इन ऑनलाइन जर्नलिज्म इंटरैक्टिव सब डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स: नेविगेशनल इंटरैक्टिव, फंक्शनल इंटरैक्टिव एंड अडेप्टिव इंटरैक्टिव. सी जर्नलिज्म में क्या है, जैसे इंटरैक्टिव डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स कौन से हैं इसमें? वन इज़ द नेविगेशनल इंटरैक्टिव, राइट, एंड द सेकेंड वन इज़ द फंक्शनल इंटरैक्टिव एंड थर्ड इज़ द अडेप्टिव इंटरैक्टिव, राइट. ऑब्जर्विंग इंटरैक्टिव ऑप्शन इन न्यू साइट, इट इज़ नोटेड दैट देर इज़ अ शेयर एब्सेंस और रैदर द फैक्ट दैट मोस्ट साइट डो नॉट डेवलप इंटरैक्टिव बियॉन्ड फंक्शनल और नेविगेशनल लेवल. सी अगर आप इंटरैक्टिव ऑप्शन देखोगे साइट पर तो आपको पता चलेगा कि बाबा या तो है ही नहीं या तो एब्सेंस है, और रैदर द फैक्ट दैट मोस्ट साइट डो नॉट डेवलप इंटरैक्टिव बियॉन्ड फंक्शनल और नेविगेशनल लेवल. सी नेविगेशनल और फंक्शनल लेवल के आगे ये लोग जाते ही नहीं है. द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ इंटरैक्टिव इज अडेप्टिव, मीनिंग दैट इट अलाउज द वेबसाइट टू अडेप्ट टू इटसेल्फ एंड द बिहेवियर ऑफ द विजिटिंग सर्फर. सी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ इंटरैक्टिविटी क्या है? एक तो प्रॉपर मीनिंग चाहिए जिसके वजह से आप वेबसाइट को अच्छे से अडेप्ट कर सको, एंड बिहेवियर ऑफ द विजिटिंग सर्फर. इट्स रिवील दैट द मोर इंटरैक्टिव अपॉर्चुनिटी वेबसाइट गिव टू द यूज़र द मोर इन्वॉल्व द यूज़र विल फील अबाउट द वेबसाइट. सी अब जितनी नई नई लोगों को अपॉर्चुनिटी दोगे वेबसाइट यूज़ करने की, उतना ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उतना ही वो वेबसाइट से अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे. मेन स्ट्रीम न्यूज़ साइट यूजली ऑपरेट ऑन इंटरनल हाइपर टेक्सचुअलिटी विथ मेनली नेविगेट इंटरैक्टिव. सी मेन स्ट्रीम न्यूज़ साइट क्या है? Usually operate on internal hypertextuality with mainly navigate interactive. This site don't usually apply multimedia unless this specifically intended to index image. See, this site क्या है? Don't usually apply multimedia unless जब तक कुछ specifically उनको कुछ बोलना नहीं है, बताना नहीं है. This could be seen as serving as some kind of accountability, one could argue. This could be seen as serving as some kind of accountability, one could argue. Following the surfer to submit a feedback or comment to the people responsibility for the meta site. See, following to surfer to submit the feedback. Like feedback do, comment karo, tabhi pata chalega. Immediacy is the quality of bringing into direct and instant involvement with something. See, immediacy kya hai? इज द क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग इन टू डायरेक्ट एंड इंस्टेंट इन्वॉल्वमेंट विथ समथिंग. ये क्या है? इट इज़ द क्वालिटी जैसे लोग डायरेक्टली और इंस्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में, गिविंग राइज टू द सेंस ऑफ अर्जेंसी और एक्साइटमेंट. जैसे क्या है, किसी अर्जेंसी को राइज हो, जब कोई अर्जेंसी रहती है तभी होता है. द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इमिडेंसी इज दैट इट मीन्स देर इज थेरी वर्चुअली नो लैग बिटवीन when information is received or created at a news producer and when the information is passed on the new consumer. See, the basic concept of immediacy kya hai? The basic concept of immediacy kya hai? It is theory ke form mein hai. Aur ye kya hai? Bahut zyada when information nahi nahi milti hai aur create karte apan news produce karne ke liye, wo information apan naye consumer ko dete hai naye news ke roop mein. This is possible because two related features are there. The first is the information is digital. Information क्या है? वो digital है and can be easily molded continuously. First information क्या है? Digital है और information continuously molded है. And secondly, the information is not distributed as far as web is concerned. और information क्या है? बहुत ज़्यादा distribute नहीं होती है. जितना आपका web है, जितने तक आपने अपने वेब बनाए, जितना तक वेब कंसर्न है उतना ही रहेगा. रैदर देन बीइंग पुश्ड आउट टू द ऑडियंस ऑल द टाइम,
द ऑडियंस शुड सी अपडेट डेटाबेस दैट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस सी रैदर देन बींग पुश्ड आउट टू द ऑडियंस ऑल द टाइम. आप ऑडियंस के पास सब ढकलो, उससे बेटर है ऑडियंस को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उतनी ही लेंगे. दैट मीन्स द इन्फॉर्मेशन विल नॉट लीव द प्रोड्यूसर एंटायरली अनलेस समवन डाउनलोड्स द वेबसाइट. सी प्रोड्यूसर के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जब तक कोई वो वेबसाइट डाउनलोड नहीं करता. जब वो वेबसाइट डाउनलोड होगी तब भी आप इन्फॉर्मेशन देख पाओगे एंड द इन्फॉर्मेशन कैन देयरफॉर बी वर्कड ऑन कंटिन्यूसली. और फिर उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी. सो विल वाइंड अप द लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ वेबकैम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो. थैंक यू.